तो फाइनली गाइज मैं अभी पहुंच चुका हूं जावा का सर्विस सेंटर, जैसा कि आप देख सकते हो, और इसी जगह से मैं अपना हैंडल बार लेने वाला हूं। तो चलो दिखाते हैं। तो फाइनली गाइज मेरा जो हैंडल बार है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये SDA स्क्रैम्बलर का है और मैंने बाइक कर लिया और मैंने साथ में दो हैंड ग्रिपर भी लिए हैं। और टोटल कॉस्ट जो मेरे को मिला है गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 900 रुपीज़ का है। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा बाइक है, कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पे देख सकते हो ये जो वाइज़र है ये पूरा टूट चुका है, आप देख सकते हो। और ये जो हैंडल बार है पूरा मेरा निकल चुका था, या और इसके निकलने का रीज़न गाइज था ये, इसमें मैंने हैंडल बार राइजर लगाया हुआ था इस जगह पे। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये वाला मेरे हैंडल बार में लगा हुआ था राइजर, जो कि यार ये एलुमिनियम का बोलती है कंपनी, बट ये एलुमिनियम का नहीं है। तो अगर आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने बाइक में ये लगाए हुए हो तो प्लीज़ उसे निकाल दो, क्योंकि आप देख सकते हो यार ये एलुमिनियम बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं देख सकते हैं यार यहाँ से निकल चुका था, ये हैंडल बार राइजर इस जगह पर लगा हुआ होता है और यहाँ से टूट गया है। और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो, ये बिल्कुल भी एलुमिनियम नहीं है। और फ्रेंड्स इस जगह मैं अभी कोई भी हैंडल बार राइजर नहीं लगाने वाला हूं, और अभी हम अपने बाइक में जो है SDA स्क्रैम्बलर का हैंडल बार मैंने बाइक किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो अभी चलते हैं इसका इंस्टॉलेशन देखते हैं, और मैं यही हैंडल बार अपने बाइक में भी लगाऊँगा, क्योंकि इसकी जो हाइट है काफ़ी अच्छी है और मुझे कोई भी हैंडल बार राइजर का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसका इंस्टॉलेशन देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये भी टूट गया है यार, यहाँ से ये बोल्ट जो है ये टूट चुका है। सो देखते हैं अभी इसको क्या कर सकते हैं। सो एक हैंडल बार के कारण कितना सारा नुकसान हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये भी क्रैक कर गया था, आप देख सकते हो इस जगह पे। तो इसको भी मैं चेंज कर रहा हूँ, और ये भी मैंने बाइक कर लिया है और देख सकते हो यहाँ पे न्यू है, तो ये मैंने न्यू बाइक किया है जो कि ये रहा। और यहाँ पे देख सकते हैं ये क्रैक कर गया था इस जगह पे। तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हो ये हैंडल बार मेरा बाइक से निकल चुका है, और अभी जो है स्क्रैम्बलर का मैं हैंडल बार इसमें लगा रहा हूँ, आप देख सकते हो। तो ये जावा का जो है स्क्रैम्बलर है उसका हैंडल बार मैंने अभी फिक्स कर रहा हूँ, और अभी तो सही लग रहा है, लेकिन इसको पूरा एडजस्ट करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा लगता है। स्क्रैम्बलर का जो हैंडल बार है इसका मैंने ग्रिप भी बाई किया है, और ये जो है प्राइस मेरे को मिला है ये आपका 61 रुपीज़ का है, और दूसरा वाला जो है ये 82 रुपीज़ का है। यहाँ पर देख सकते हैं 82 रुपीज़ का है, और एक जो है 61 रुपीज़ का है। यहाँ पे अभी थ्रेड बनाया जा रहा है हैंडल बार में, जैसा कि आप देख सकते हो, और ये वाला इसमें अभी फिक्स हुआ। इसका जो थ्रेड था बहुत छोटा थ्रेड था, इसलिए इसको मैंने अभी नया बनाया है, और देख सकते हो ये मेरा पहले का जो हैंडल बार वेट है इसमें अभी फिक्स हो जाएगा।
सो फाइनली गाइज मेरे बाइक में SDS स्क्रैम्बलर का हैंडल बार फिक्स हो चुका है। सो चलिए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे बाइक में हिमालयन का जो हैंडल बार लगा हुआ था उसको मैंने निकाल दिया है और अभी जो है SDS स्क्रैम्बलर का मैंने हैंडल बार इसमें लगाया है, इंस्टॉल किया है और देख सकते हो इसकी जो राइडिंग पोस्चर काफ़ी अच्छी मेरे को लग रही है और इसमें कोई भी राइजर मैंने इस बार यूज़ नहीं किए हैं। डायरेक्ट आप देख सकते हो स्टॉक जो था उसी में मैंने अपने हैंडल बार को फिक्स किया है और ये जो हैंडल बार है इसकी जो हाइट है काफ़ी अच्छी है तो इस कारण से इसमें कोई भी हैंडल बार राइजर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स इसका मैं फ्रंट से आपको लुक दिखाता हूं तो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा और इसकी जो हाइट है काफ़ी अच्छी है और इसकी जो वाइड एंगल है काफ़ी अच्छी लग रही है। तो फाइनली गाइज फ्रंट का लुक कुछ इस तरह से देखने के लिए मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें SDS स्क्रैम्बलर का हैंडल बार अभी लगा हुआ है और मेरी बाइक का लुक जो है काफ़ी अच्छी लग रही है। सो आप देख लो और मेरे को कमेंट में बताना कैसी लग रही है। तो फाइनली गाइज मेरे बाइक में जो है SDS स्क्रैम्बलर का हैंडल बार मैंने इंस्टॉल किया है और अभी चलते हैं मोडो ब्लॉगिंग मोड में मिलते हैं और देखते हैं इसका राइडिंग पोस्चर कैसा है क्योंकि मैंने थोड़ा सा राइड किया है। सो अभी चलते हैं आपको रिव्यू देते हैं कैसा इसका राइडिंग पोस्चर है और कैसा फील होता है राइडिंग करने में। तो फाइनली फ्रेंड्स आप देख सकते हो मुझे राइडिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और पहले जो लगा हुआ था इसमें हिमालयन का हैंडल बार लगा हुआ था और सेम पोजिशन है लेकिन हिमालयन का जो हैंडल बार इसमें लगा हुआ था उसे मैंने इसमें राइजर लगाया हुआ था और अभी जो है विदाउट राइजर मैंने ये SDS का जो स्क्रैम्बलर का जो हैंडल बार है विदाउट राइजर लगा हुआ है। सो इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है और इसका जो एंगल है राइडिंग जो पोस्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार। ये पूरे YouTube पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जो ये फर्स्ट टाइम है कि SDS स्क्रैम्बलर का मैंने हैंडल बार अपने बाइक में पल्सर में फिक्स किया है। सो रिजल्ट ये है यार, आप देख सकते हो राइडिंग पोस्चर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल है यार। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप देख सकते हो। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप हैंडल बार लेते हो तो इसका जो है हैंड ग्रिपर भी ज़रूर लेना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हिमालयन का हैंडल बार में मेरे को थोड़ा सा झुकना पड़ता था और इसकी जो हाइट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और विदाउट राइजर कोई भी राइजर मैंने यूज़ नहीं किया हुआ जैसा कि आप देख सकते हो। डायरेक्ट मैंने हैंडल लिया है और इसमें लगाया है और इसकी हाइट और इसकी जो लेंथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है यार। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये एक न्यू क्रिएशन था मेरे बाइक में और लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है यार। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा क्राउड एरिया में चलते हैं और इसको थोड़ा सा देखते हैं कैसा इसका जो है हैंडल बार का कटिंग होता है और मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है माय फ्रेंड। रियली में मुझे हिमालयन से अच्छा लगा ये हैंडल बार। और मैं अभी क्राउड एरिया में हूँ और मुझे कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है कटिंग में, आप देख सकते हो। और बहुत इजीली तरीके से मैं अपना हैंडलिंग कर रहा हूँ अपने बाइक का। सो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और अप टू यू मैन, आपको ये हैंडल बार कैसा लगा मेरे को कमेंट में बताना। ये मेरे बाइक में SDS का स्क्रैम्बलर का हैंडल बार कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में बताना और थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा होगा गाइज तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और चैनल पे अगर न्यू हो गाइज तो सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि मेरा जो वीडियो में इस तरह का कंटेंट आता रहता है। सो चलिए अब इससे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय गाइज। चलिए बाय।